बन ही गया है, देखो बिल्कुल। ये भैया पालक को उबाल रहे हैं पहले, पालक साग मीट, और पानी डालेंगे इसके अंदर उबालने के लिए। अभी लगभग उबलेगी आधे से एक घंटा। ये हमारे पालक ना उबल गया, देखिए पूरी बॉयल हो चुकी है, कलर भी चेंज हो गया, जितनी भी से कड़वाहट है ना ये सब निकल चुकी है। अब इसको हम रिमूव करेंगे पानी में से, ताकि पानी निकल जाए। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, अब हम मटन की तैयारी करेंगे। जैसे हम डालें ऑयल, हाँ जी ऑयल वाले, ये गार्लिक पेस्ट, ये बिल्कुल हमारी होममेड होती है, हम आर्टिफिशियल यूज़ नहीं करते। फ्रेश जिंजर, फ्रेश गार्लिक को पेस्ट बना के उसको यूज़ करते हैं। ये हमारा लगभग 5 किलो मीट बन रहा है आज। इसको थोड़ा सा इसका भुनाई करेंगे, थोड़ा कच्चापन निकालेंगे, ताकि जो जिंजर गार्लिक कच्चा बने वो निकल जाए। और मटन की आपको मैं एक चीज़ बताऊँगा, मेरा कोई पीस देखोगे 110 ग्राम का एक पीस है मटन का, सबसे बेस्ट क्वालिटी का मटन बेचता हूँ सर। ये नहीं कहता मैं कंपेरिजन करता हूँ किसी से, ये सीने का पीस है, देखिए 2 रिब का एक पीस है, और ये 1 किलो में लगभग 9 से 10 पीस चढ़ते हैं। मटन डाल दिया हमने, इसको भुनेंगे और इसकी हीट कम कर देंगे, इसे भुनाई हुई कम से कम 20 से 25 मिनट तक, ताकि जो मटन का जितना फ्लेवर है सारा वो छोड़ दें। और इसके अंदर जो जितनी वेस्ट चर्बी होती है ना, जो वेस्ट होती है उसको हम पहले रिमूव कर देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, उसी वेस्ट मटेरियल के अंदर बनाते हैं, उसका फैट से मीट बनाते हैं, मैं उसे फैट से मीट नहीं बनाता। आप पीस साइज़ देते हो कोई भी, सारे साइज सिमिलर होगा, थोड़ा सा शेंग होगा बनने के बाद, लेकिन 120 ग्राम का पीस पूरा रहता है। अब देखो ये मटन भून चुका पूरा, बिल्कुल देखिए पीस रिड्यूस हो गए, और बिल्कुल स्मेल भी आ रही हो आपको बोन, क्या जो जितना फ्लेवर आ चुका है वो। अब इसमें मसाले के प्रोसेस शुरू करेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, ये स्पेशल देगी मिर्च हमारी रंगली मिर्च कहते हैं इसे, ये पंजाब अमृतसर से आती है, ये स्पेशल गर्म मसाला है, ये डलते ब्राउन हो जाएगा, लेकिन इसको हम लिमिट में डालेंगे, ताकि ज़्यादा कोई गर्मी भी है ना माल खराब होने डर होता है, गर्म होता है बहुत, ज़्यादा डालेंगे 1-2। हल्दी, थोड़ी कुटी मिर्च, ये हाथ से कुटी मिर्च है, मिक्सी की नहीं है, 1.5 चम्मच बस, उसको लाएंगे हम, और कलर देना बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बिल्कुल। इसको 10 मिनट पकड़ने देंगे हम, ताकि जितना जो कलर है ना इसका नेचुरल वो पीस पे चढ़ जाए। ये पालक हमने बॉईल जो की थी ना, इसको हमने ग्राइंड कर लिया मिक्सर में, ग्राइंड करने के बाद हम इसको ऐड कर रहे हैं। अब हम मटन देखिए पूरा भुन चुका अच्छे से, कलर देखिए ब्लू कलर चेंज हो गया, अब जो हम पीस खाएंगे मटन का पूरा अंदर आपको पूरा फ्लेवर मिलेगा। तो हम पालक को ऐड करेंगे इसके अंदर, पालक ऐड हो गई है, ये 5 किलो पालक में लगभग 8 से 9 किलो पालक है मीट के अंदर। हिलाने के बाद इसको हम ढक के पकड़े देंगे रड़ रड़ के, ऐसा कुछ नहीं कि हम पीस को उबालेंगे और उबाल के पीस को हम बेचेंगे, वो नहीं है, अंदर रम के बनेगा, पूरा फ्लेवर मिलेगा। आज थर्सडे है तो माल कम बने, बाकी दिन माल थोड़ा ज़्यादा बनता है। अगर पकेगा इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा, जितना फैट है नेचुरल ऊपर आ जाएगा, मीट आपका पक जाएगा। अभी हम इसका ढक्कन खोल रहे हैं, लगभग ही बन चुका है, ज़्यादा पकाएंगे तो क्या उसके बाद गर्माहट के अंदर ही ना पूरा मटन ख़त्म हो जाएगा। मटन लगभग बन ही गया, देखो हड्डी जब मांस छोड़ दिया ना तो लगभग गल चुका है, और कंडेंसी देखो बिल्कुल प्योर पालक है, देखो बिल्कुल इसमें पूरा टेस्ट होगा बोन का। ये रेडी है, इसको बस हम अभी हम गार्निश करके इसको एंड कर देंगे, ये थोड़ा सा अदरक, किसने खाना है तो आप आ सकते हैं बंटी मीट वाला BMW, ये पड़ता है नियर इंद्रप्रस्थ वर्ल्ड स्कूल पश्चिम बिहार, और मैं दिन में 12 से लेकर रात को 12 बजे तक अवेलेबल हूँ, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8700145051। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, मटन खाना है तो आप प्लीज़ बुक करके आइए, कॉल करेंगे कुछ अमाउंट पेटीएम मारिएगा, मटन आपको होल्ड करूँगा, मटन बस्ता नहीं है।